यहाँ पर एक हमें सौदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनसे बात कर लेते हैं। ये व्यापारी भी मौजूद है और साथ में खरीदार भी मौजूद है। पसंद आ गया जानवर आपको? पसंद तो आ गया। अच्छा, माशाल्लाह चोगा जानवर है। अच्छा, बाकी अभी देखते हैं पैसों का क्या, 5 लाख मांग रहे हैं वो। अच्छा। तो देखते हैं अभी क्या बनता है, अभी जानवर 5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। हाँ जी, 5 लाख रुपया। तो आपका माइंड कहाँ तक बनता नजर आ रहा है? हमारा तो माइंड तकरीबन 2.40 तक में जानवर समझ में आ रहा है। देखते हैं अगर वो उनका भी कोई जहन बनता है तो। 5 लाख तो जानवर के बहुत ज्यादा है इसके। कितने का हो जाएगा जी, आपको क्या लगता है की 5 लाख मांग रहे हैं, कितनी कमी बेची? 4.5 का। इस साल रेट बहुत ज्यादा है, बस महंगाई की वजह से। महंगाई का असर जानवरों पे पड़ा है। हाँ जी, जानवर तो ही आना है और कितने। हाँ, चारा खाते हैं बिल्कुल। यहाँ तक आप इनको लेके आए, कहाँ से आए हैं वैसे आप? पूरे वाले से। अच्छा, आप भी पूरे वाला बिहाड़ी से आए हैं। तो कहाँ तक लग रहा है आपको, कहाँ तक बन जाएगा आप जरा बताए ना जी। आप भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जिस तरह कह रहे हैं बेटा के 2.40-2.50 तक होना चाहिए फाइनली। बाकी मेरी बात, इन्होंने पैसे ज़्यादा मांगने, अभी ईद में भी काफ़ी टाइम है, इसलिए ये लोग पैसे भी जो है वो ज़्यादा मांग रहे हैं। होपफुली हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कितना डिफरेंस आपको लग रहा है पिछले सालों में इस साल में? फ़र्क तो है। अच्छा, फ़र्क तो है, फ़र्क तकरीबन जानवर में 1-2 लाख का फ़र्क है। 1 लाख का फ़र्क है। तो बड़ा जानवर ही लेते हैं हर बार? बड़ा जानवर। उसकी वजह कोई खास, इसके तिक्के कबाब अच्छे बनते हैं? बस इसको ज़रा शायद रखना आसान है, अगर हमारे घर के हिस्से हैं सारे ज़्यादा ना, तो फिर अगर हम छोटा जानवर लें तो फिर उनको संभालना शायद मुश्किल हो, इसलिए कि साथ इस तरह बड़ी कुर्बानी जिस तरह इसमें 7 हिस्से हैं तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। सस्ता पड़ जाता है, दोनों बातें, संभालना भी आसान है और कम्पेटिवली सस्ता भी पड़ता है। चलिए फाइनल बताएँ आपका बाइट कहाँ तक बन रहा है? बस देखते हैं, इनसे बात करते हैं क्यों ज़्यादा किधर तक हो जाएगा। 4.5 आ गए नहीं होगा। आप कहाँ तक जा सकते हैं? 2.40-2.45 पे चले जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, कोई और देखेंगे। चले, अभी खासे आगे भी जानवर आगे आप तलाश कर सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये मुझे सामने बहुत खूबसूरत एक जो है बैल दिखाई दे रहा है, माशाल्लाह वाइट कलर है इसका। बेचने के लिए आए हैं आप इसे? जी बेचने के लिए। अच्छा, क्या प्राइस इसके डिमांड कर रहे हैं? ये 5.5 लाख डिमांड कर रहे हैं। 5.5 लाख। कितना वेट होगा इसका, कितना वजन होगा? मैक्सिमम इसका होगा 6.5 मन। 6.5 मन इसका। जी। तो जो लोग यहाँ पे खरीदार हैं शिकवा कर रहे हैं कि इस बार रेट बहुत ज़्यादा है। महंगाई भी तो है ना, रेट भी ज़्यादा होगा, बस इसी वजह से ज़्यादा है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसको क्या खिलाते रहे माशाल्लाह? माशाल्लाह देसी खुराक। अच्छा, देसी खुराक पर मुझे ना पकड़ाए, भाग ना जाए कहीं। अच्छा, थैंक यू। तो क्या खिलाते रहे इसकी खुराक बताए ना? खुराक इसको वंडा देते हैं। अच्छा जी, वंडा चलता है इसको बस। तो वैसे क्या माइंड है, कितने तक आपको अच्छा खुराक मिला तो बेच देंगे? ये माइंड हुआ तो इसको जो है ना 4.80। अच्छा, ये माइंड हमारा 4.80 में, तो फाइनल ये प्राइस होनी चाहिए। तो कितने टाइम लगा आपको इसको पालते हुए? यार ये ख़रीदा है मुल्तान मंडी से। अच्छा, इधर से नहीं ख़रीदा क्योंकि यहाँ है ही नहीं है जानवर, ये सारा टोटली जानवर है सिंध। अच्छा, मतलब खरीद कर आप यहाँ पर मंडी में चले? मंडी में। अब ये तो आप नहीं बताएंगे कि आपने इसको मुल्तान मंडी से कितने का खरीदा है? ये तो नहीं बताते ना, जहरी सी बात है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बड़ा फ्रेंडली है जी, अभी तक इसे हिट नहीं किया, मारा नहीं है, बड़ा फ्रेंडली है और पुरसकून जानवर है और माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है। ये यहाँ पर एक सौदा चल रहा है, ये नौजवान है यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हुए हैं। बताएं जी, पसंद आ गया आपको ये दुम्बा? पसंद तो आया। अच्छा, कितने पैसे? 1.40 इन्होंने मांगे। 1,40,000। ये देखें जी, ये दुम्बा जो है ये 1,40,000। ये कौन सी नस्ल का दुम्बा है? ये दुम्बा शनवारी। ये वो तर्किश नस्ल जो होती है, मुझे बोला कर रहा जाना। तो कहाँ तक माइंड बन रहा है आपका? 90 समझ आती है। तो ये दुम्बा ही क्यों कर रहे हैं, दुम्बा ही क्यों लेना है? पसंद है हमें, इस वजह से कर रहे हैं। जो चीज पसंद आ जाए दिल को बस फिर ले। हर साल दुम्बा ही करते हैं? नहीं, माशाल्लाह से भेड़े करते हैं, 4 बकरे करते हैं हम लोग। अच्छा, तो इसलिए अभी जो चीज पसंद आई है इसलिए। तो कोई खसूसी वजह दुम्बा को इसका, कोई बारबेक्यू बनाते हैं कि इसकी शनवारी बनाते हैं, इसके पकवान बड़े मजे के बनते हैं? असल में सुन्नत भी है, इस वजह से भी करते हैं, तो इस वजह से ले लेते हैं। खूबसूरत भी है तो इस वजह से करते हैं। चलें, ये दोनों में रिजेम्बलेंस भी देखें आप, ये दोनों भाई जो है ना एक जैसे, सगे भाई हैं दोनों आप? ट्विन्स हम दोनों। अच्छा, ट्विन्स हैं जी। अच्छा, मैंने एकदम उनको देखा भी, मैं कंफ्यूज होकर आपको देखा। सही सही। क्या करते हैं आप लोग? हम स्टडी करते हैं यूनिवर्सिटी में। स्टडी करते हैं, शाहबाद से आए हैं जी। आरएसपी है। तो अभी तक कुछ नजर नहीं आया कोई, पिछले सालों की नस्बत इस साल मंडी जो है काफी लोग शिकवा में करते नजर आए कि खासी महंगी है जी। बिल्कुल, इस बार ज्यादा ही रेट है कुछ पिछली बार की तरह जी। तो अभी आपने लेना क्या है, दुम्बा ही लेना है क्योंकि अलग अलग चीजें, तीन
अलग अलग लोग हैं, तीन अलग अलग चीजें खरीदेंगे? नहीं नहीं, हमने बेड़ा भी लेना है, बकरे भी, और एक दुम्बा ढूंढ रहे हैं, भी देखें क्या बनता है। जी जी, ये वाले भाई मुझे थोड़े से ज़्यादा एक्सपर्ट लग रहे हैं, इनको थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो पिछले सालों के इस पर रेट थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वो तो जाहिर सी बात है, आप चीज़ें भी तो देखें ना, आप किधर है, क्या चीज़ अपने रेट पे नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से जो है वाकई है जो लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। जो है देखें, हमें भी जो पसंद आएगा लेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मंडी में हमने आपको बड़े जानवर तो दिखाए, लेकिन उन जानवरों के लिए और जितने लोग यहाँ पर मुल्क भर से मंडी लगाने के लिए आए हैं, उनके पानी के लिए जो है यहाँ पर टैंकर्स जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि खासी लंबी जो है लाइनें लगी हुई हैं पानी लेने के लिए। तो ये लोगों से बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये स्टॉल लगाने के लिए अपना जो अपना मवेशी जो है यहाँ पर लाने के लिए इन्होंने पैसे भरे हुए हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि इनको क्या मसला दरपेश है, और इंतजामिया से भी बाद में बात करेंगे कि किस तरह से इनको यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया है, पानी है, चारा है, दीगर सहूलियात हैं, वो किस तरह इनको मैसर आ रही है। साथ साथ गर्मी खासी है, इस टाइम भी टेम्परेचर खासा हाई है, लोग सामने लाइनों में हैं, आगे चलते हैं, इनसे जाके वहाँ पर बात करते हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पानी मिल रहा है? पानी मिल रहा है, लेकिन हम लोगों से ना सब्र नहीं होता, ना हम लाइन बनाते हैं ना कुछ करते हैं, तरीके से जितना पानी यूज़ करना है उतना ले लें, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हमारे अंदर सब्र नहीं है। ये लेकिन ये हम देख रहे हैं पीछे धक्कम पेल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो देखें, धक्कम पेल हम खुद ही कर रहे हैं ना, अगर हम तरीके से लाइन में लग के अगर एक चीज़ को लें तो सबको मिलेगा, नहीं करेंगे तो फिर बेनज़मी और बे मतलब क्या बता रहे हैं कि वाफर मिकदार में पानी आ रहा है। पानी सुबह शाम हर टाइम अवेलेबल होते हैं, हम जब भी ऑफिस में जाके उन्हें कहते हैं कि पानी नहीं है, वो हमारे पास आते हैं, पानी देखते हैं नहीं है तो वो फौरन पहुंचा देते हैं, तो हमारे अंदर जो है ना वो नहीं है सब्र के हम तरीके से लें और तरीके से पानी को यूज़ करें, ज़ाया करेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन हमने सब्र नहीं करना। वैसे आपने यहाँ पर जो है जगह लेने के लिए कितने पैसे दिए जो आपने अपने जानवर यहाँ पर लिए? ये तो बड़े भाई को पता होगा, मुझे नहीं इतना ना पता, हाँ मुझे इतना मालूम। इंतजाम जो है उसे आप खुश हैं? मतलब अल्लाह का शुक्र है, इंतजाम अच्छे हैं, पानी टाइम पे मिल रहा है, लाइट है, कोई बदनज़मी नहीं है, कोई कुछ नहीं। मतलब इस गर्मी के मौसम में जो जानवरों को जो सहूलियात चाहिए थी, जो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो तमाम आपके यहाँ मयसर है? जी इंशाल्लाह, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ये जो बकरे हैं उनकी खुराक जो है तैयार की जा रही है, इसमें क्या कुछ डालते हैं भाई? इसमें भूसा है, खल है, वंडा, दाने, ये चीज़ें। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो शिकवा करते हैं कि जब जानवर यहाँ मंडी से लेते हैं वो खासा मोटा ताज़ा होता है, लेकिन घर जाता है तो वो थोड़ा पतला हो जाता है, क्या वजह है उसकी? कोई वजह नहीं है, खुराक के चक्कर है बस। अच्छा, हाँ इधर खुराक ज़्यादा देते, उधर खुराक वो नहीं देते। नहीं, जो लोग घर में लेके जाते हैं वो बड़े शौक से लेकर जाते हैं कुर्बानी करने के लिए, बच्चे बड़ा खेलते हैं उनके साथ और बड़ा इंतजाम किया जाता है उनके खाने पीने का, इस खुराक में फ़र्क होता है। अच्छा, खुराक में फ़र्क आता है, वो रीज़न होती है जी। अच्छा, कुछ लोग इस तरह भी हमने देखा कि बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी कि बेसन या इस तरह की चीज़ें पानी में मिलाकर उनको दे दी जाती है। बेसन तो नुकसान देते हैं, हमें भी पता है। अच्छा, लेकिन बेसन वगैरह हम नहीं देते, बेसन वाला जो जानवर होते हैं वो जो भी गर्नी के अंदर पता चल जाएगा इसको बेसन में हुआ ख़राब हो जाते हैं। तो मतलब ये आप लोग इनको जब पालते हैं यही सारी चीज़ें खिलाकर इनको बड़ा ये बड़ा जी जी। तो इस बार मंडी कैसी है, रेट कैसा, सही है? अभी तो रूटीन का पता नहीं चला, क्योंकि अभी तो दो तीन दिन हुए हैं ना, पाँच छः शाम के बाद ही पता चलेगा कि कैसी रूटीन है कैसी नहीं है। तो आप आए कहाँ से? हम डी ए खान से, ड्रेसफुल खान से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी तो हम सबसे पहले पहुंचे हैं बकरों के सेक्शन में, जहां पर हमें बकरे नज़र आ रहे हैं, दुमे नज़र आ रहे हैं, मतलब छोटा जानवर यहां पर है, और ये इनके मालिक खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कहां से आए हैं? हम तलागांव से आए हैं। अच्छा, कैसी चल रही है मंडी? मंडी सही चल रही है। अच्छा जी, गाहक आ रहे हैं? आ रहे हैं, लेकिन अभी तो बिक नहीं रहे हैं, कुछ पता नहीं तनख्वाह का लोगों का मसला है या क्या है, तो जो बिक रहा है वो तो बहुत अच्छा बिक रहा है, तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो महंगाई का भी एक मतलब कि हुकूमत जल्दी जल्दी इससे पहले लोगों को सैलरी दे दे ताकि लोग यहाँ पर आकर खरीदारी कर सकें। ये मसला है। तो ये कितने हैं आप, कितने जानवर आपके पास हैं, कितने बकरे लेकर आए हैं? तकरीबन 50-60 जानवर हैं। 50-60 जानवर हैं। तो लोग एक शिकवा आपने देखा अक्सर जो है सुनने को मिल रहा होता है कि इस बार जो कुर्बानी है महंगी हो गई है, वैसे हर साल ही होती है, हर साल इस साल कुछ ज़्यादा हो गई है, लेकिन महंगाई का भी तो हिसाब देखें ना, गंदम किस तरह चल रही है, खाल चोकर के रेट किस तरह हो गए हैं, हमका खर्चा जो है ना इसके बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, खर्चा ज़्यादा है, किराए ज़्यादा लग रहे हैं, मंडी की फीस ज़्यादा लगी हुई है, तो इसमें हमको परेशानी है, इसलिए हमारी ये मजबूरी है, हम ये रेट मांगते हैं। मजबूरी है, ये रेट मांगते हैं। चले, एक और हमारे साथ मौजूद हैं साहब,
क्या बता रहे हैं चीजें क्यों महंगी हो गई हैं, रेट बहुत लगा दिया, बकरे बहुत महंगे कर दिए। सर ये जो बात है ना, ये हर साल ये खैर इस तरह बताता है, इस तरह तो बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई, सब लेते भी है लेकिन महंगाई जरूर बताता है। लेकिन ये जो बात है, ये इनका कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो ये बात ना बोले कि महंगाई बहुत है, बहुत है, लेकिन लेते भी है, ये भी बात नहीं है। आप जब वो कहते हैं जी चीजें महंगी हो गई हैं, आप क्या बताते हैं क्यों महंगी हो गई है? महंगी है जी, हुकूमत की वजह से महंगी है, हर चीज महंगी हुई है, गन्ना महंगी है, चना महंगा है, हर चीज जो है वो हम कीमती डालते हैं, इसलिए महंगी। जब मेहनत हम करते हैं तो इसी हम निकाल रहे हैं, वो तो नहीं निकाल रहे, इससे हमारा गुजारा है, सारा बच्चों को भी इससे गुजारा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा साल जो है इनकी खिदमत की जाती है, इनकी केयर की जाती है, इनको पाला जाता है और उसके बाद ईद के करीब इनको जो है बेचने के लिए इन मंडियों में लाया जाता है। सामने मुझे खूबसूरत जो है ये दुम्बे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, बेशतर लोग जो है दुम्बे की कुर्बानी करना प्रेफर करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत दुम्बे हैं और साथ में इनका जो बनाव संघार है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। बताएं जी कौन सी नस्ल है? ये सर कजला है सरगोधे का। अच्छा सरगोधा से आए आप जी, तो क्या प्राइस है, किस रेंज में मिल जाएंगे ये? सर तीन जो खड़े हैं दो, ये 85,000 में जोड़ा, 170 का मांग रहे हैं। अच्छा ये जो है इसका 185,000 जोड़े का है, 185,000 के दो छे हुए। बड़ी खूबसूरत तरीके से इसकी कटिंग कर रहे थे आप, ये कटाई करेंगे ना, ईद का चीज है भाईजान, कुर्बानी है, इसको जितनी सफाई करेंगे इतना कमस्टर जो है अच्छा पैसा देगा। और साथ में एक वैसे भी आपके लगाव भी हो जाता है, आपने अरसे से इसको पाला होगा, इसी तरह घर में भी जी बिल्कुल है। बिल्कुल देखिए जी, आप देख रहे हैं कि ये जो दुम्बे हैं, बच्चे जो हैं वो खासे इंटरेस्ट ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम ये चिश्तियाबाद से आए हैं। क्या लेने आए हैं? हम यहाँ से देखने आए हैं। लेना नहीं है अभी कुछ विंटर? नहीं, कल कब लेंगे? कल तक। क्या लेना है, बकरा लेना है, दुम्बा लेना है, बैल? बकरे और बैल लेने। अच्छा, और ज्यादा यहाँ पे कौन सी चीज अच्छी लगी आपको, आप ये दुम्बे देख रहे हो जी? माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं जानवर, है कुर्बानी के जानवर हैं, जितनी खिदमत करेंगे इतना स्वाद मिलेगा हमें। अच्छा हमारे आए हुए हैं दो बकरे, उनकी हम इतनी खिदमत करते हैं, हमें बहुत मजा आता है। उनको जो घर आए हुए हैं वो उनको हम टोका खिलाते हैं। अच्छा, पत्ते खिलाते हैं और वो चारा ये जो होता है यही खिलाते हैं। तो जब जिस दिन इनकी कुर्बानी हो जाएगी ईद वाले दिन जो है, तो थोड़ा दिल भी लेकिन जब उसको इतना अच्छा प्यार से रखते हो तो उसके साथ मोहब्बत ही हो जाती है? मोहब्बत हो जाती है, रोना भी आता है जब कुर्बानी के जानवर है, सारी बात है। चलें बहुत शुक्रिया, मजे से इसको जब ये आप जानवर आपके जो घर में है या जो भी आप कुर्बानी के लिए ले गए, मजे से उसका मीट खाइएगा, ठीक है? क्योंकि आपको स्वाद भी होगा और मजा भी आएगा। ओके। ये देखें जी बच्चे हैं, असल ईद तो कहते हैं कि बच्चों की होती है और सबसे ज़्यादा जो जानवर हैं उनमें इंटरेस्ट भी ये बच्चे ही लेते हैं। अमूमन घरों में काफ़ी लोग एक दिन पहले जो है कुर्बानी ले आते हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी ज़िद करते हैं कि नहीं उन्होंने इन जानवरों के साथ खेलना है, तो थोड़े से इनके साथ मानूस भी हो जाते हैं, लगाव भी हो जाता है और साथ में फिर कुर्बानी जब करते हैं तो वो स्वाद भी मिलता है और साथ में एक जो सुन्नत इब्राहिमी है उसकी अदायगी भी हो जाती है। अब हम यहाँ से कुछ आगे भी चलते हैं, हमें खासी वसी जो है वो मंडी दिखाई दे रही है जहाँ पर हमें मुख्तलिफ नौइयत के जानवर नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं, लोगों से भी बात करते हैं और साथ जो व्यापारी यहाँ पर आए हैं उनसे भी बात करते हैं।